तो रिलेशनशिप क्लियर हो गया तो किसी को डाउट है? है किसी को डाउट? नहीं है? क्या बात है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक टेबल तैयार की जिसका नाम हमने एडमिशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, एडीएम कर दिया, राइट। चाहो तो इसे यूनिक आईडी भी बना सकते हो, बना दिया स्टूडेंट आईडी। क्या बना दिया जी? मतलब इससे हम ट्रैक कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, स्टूडेंट को ट्रैक करेंगे, राइट। आया समझ में कि नहीं आया? इसके बाद हमने क्या बनाया, नेम बनाया, ओके। फिर हमने एफ नेम बनाया, फिर हमने डीओ भी बना दिया, ठीक है, ईटीसी। इतना डाटा बनाने के बाद इसे सेव कर दिया, इसमें किसी को दिक्कत? क्या डिजाइन किया, राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू देख लिया, क्या बनाया, स्टूडेंट नेम, डीओपी, बस चार चीजें हमने डिजाइन कर दी, ओके। फिर वापस हम क्रिएट पे गए, यहां से टेबल पे क्लिक किया, यहां पर आए, फिर यहां पर लिख दिया फी, क्या लिख दिया, इसको या तो प्राइमरी हटा दो या हमने इसको डिलीट कर दिया, सारी समस्या से मुक्ति। अब हमने क्या बना दिया, स्टूडेंट आईडी, ओके, ये मैनुअली होगा, ठीक है। अब फीस में क्या होगा, एक तो होगा एसएन नंबर, सीरियल नंबर, जब रसीद कटा होगा तो क्या होगा उसमें, एक सीरियल नंबर होगा, ठीक है, और एक होगा अमाउंट होगा, क्या होगा, और हो सकता है एक डेट भी हो, ठीक है, कोई भी डेट डाल दी, डेट्स लिख दिया, कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। और एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकता है, पर्टिकुलर विवरण भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा हमें नहीं लगता और होना चाहिए, ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। अब जब ये दोनों चीजें आप देख चुके हैं तो आपने डेटाबेस का रिलेशनशिप बनाना भी देखा, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ऐड किया, डबल क्लिक कर दोगे तब भी आ जाएगा जी, यदि आप कुछ नहीं करना जानते, डबल क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, और यहां पर क्रिएट न्यू कनेक्शन करना पड़ेगा, यहां से आपको बताना पड़ेगा, या आप सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये सारे ऑप्शंस ऊपर, पहले हमें जो अलग से क्रिएट करना पड़ रहा था वो ऑटोमेटिक आ गया और क्रिएट। कुछ आया समझ में? अब इतना काम करने के बाद इसे सेव कर दिया, अब रिलेशनशिप तो हमने बना ही लिया था। अब यहां पर हम देखते हैं क्या करते हैं, क्रिएट पर जाते हैं और फॉर्म डिजाइन करते हैं, यहां से सो ऑल क्या कर दिया, ये नेम ओके, फिर एक यहां पर अभी तक हमने सब फॉर्म नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था,
सब फॉर्म भी बता सकते हैं अपन, ठीक है। यहां से कौन सी टेबल, फीस, राइट। इसका यूज क्या है फिर, ओके ये बराबर, इसका नाम डीलर। तो चीजें क्लियर हो गई, क्या किया, फॉर्म बनाया और उसका सब फॉर्म बना दिया, और यहां से हमने इसका फीस स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। क्या, कैसे, एक फॉर्म तैयार किया, उसमें फीस के लिए हमें, जैसे कभी भी कोई भी आता है तो आप फीस भर देते हैं, ठीक है, इसको सेव कर दिया, इसका नाम फीस कर दिया, क्या कर दिया, क्लियर। फीस करने के बाद ऐसे इसका भी बना लिया, किसका, एडमिशन। जब बच्चा एडमिशन लेगा तो उसका भी एक फॉर्म होना चाहिए, तो एडमिशन यहां पर अब तीन चीजें बना दी हमने, जब भी बच्चा आएगा तो वो आपकी स्कूल में एडमिशन लेगा, इसको भी एटी एम कर दिया। अब क्या होगा, मान लो कल के दिन अमुक व्यक्ति आया, एक न्यू स्टूडेंट आया, उसने कहा हमें एडमिशन चाहिए डीसीए में, कोर्स नाम नहीं लिखा, माने चल चल जाएगा, यहां पर आए तो अपने आप बोलेगा राम नाम है हमारा, श्याम पिताजी का नाम है, और डेट ऑफ बर्थ कोई भी डाल दीजिए, क्लिक किया, चलो डाल दो, कोई भी तो डाल दो, चलो लो, ओके। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति आया, सीता, उन्होंने कहा राज, उन्होंने कहा डेट ऑफ बर्थ, ओके। अब दोनों के एडमिशन तो हो गए, आपके पास दो एडमिशन हो गए, तुमने कहा भैया फीस भरना है, तो एडमिशन इधर हुआ, आपने भेज दिया जाओ अकाउंटेंट के पास, चले जाओ फीस जमा कर दो अपनी, ऐसा ही होता ही, आप कॉलेज में जाते हो, कहीं एडमिशन होता है, कहीं से हमसे फीस जमा करवाई जाती, कहीं से हमें लाइब्रेरी मिलती है, ये होता है कि नहीं होता है, तो ये सब, तो जब ऑनलाइन काम चलता है तो सब ऐसे ही चलता है। उन्होंने कहा फीस कहीं बताओ, आई नंबर बताओ आपका, एक नंबर इसमें डाल सकते थे, आठ नंबर का फीस जनरेट में सीरियल नंबर में, कि ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट होते जाए। अब उन्होंने कहा 100 रुपये जमा कर दिए, डेट कोई भी डाल दी, पर्टिकुलर एडमिशन, फिर व्यक्ति आ गए, एक नंबर सीरियल नंबर दो नंबर, अमाउंट 200 रुपया, डेट कोई भी, ओके पर्टिकुलर एडमिशन। फिर दो नंबर वाला फिर आया अगले दिन, तीन अमाउंट 400, डेट। तो इसमें हमें भरने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, क्यों हो रही, बिल्कुल सिंपल हो गया, हो गया ना। अब हम गए इधर, काम गया सब, ले लगा, देखिए क्या हुआ, उसका रिकॉर्ड आ गया सामने या नहीं आया, तुम्हारी फीस डिटेल आ गई कि नहीं आ गई, जितनी बार तुमने भरा उतना रिकॉर्ड, जबकि अलग अलग भर रहे थे यार, उसने सब फॉर्म में दिखा दिया कि भैया बड़े भाई आपका ये रिकॉर्ड है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, जबकि हमने तो एक एडमिशन फॉर्म बनाया था सर, एक हमने फीस का अलग ट्रांजेक्शन किया था, 100 बार जमा कर सकता है आदमी, उसकी स्वतंत्रता है कि 50-50 रुपए जमा कर सकता है, आपको लेना पड़ेंगे, या ऐसा भी हो सकता है फिक्स अमाउंट भी हो सकता है,
नहीं आपको 200 ही भरना है, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। क्या ऐसे कभी कभी ऐसा फिक्स अमाउंट होता है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म हो तो कितनी कटेगी ही, क्लिक करेंगे तो फीस जनरेट हो जाएगी, ऐसा हमारे पास भी बना सकते हैं कि नहीं आपको जी भरना है। अब तो क्लिक करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, क्लिक करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितनी की होगी उतनी आपको भरना होगी। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ देखिए। आप जितनी चाहे फीस भर सकते हो। आपने क्या किया, फीस स्ट्रक्चर उठाया और फिर जे न्यू कर दिया। अभी तो जे अब इसमें और आगे लगा देंगे क्योंकि अभी ज्यादा हम नहीं सिखा रहे, क्रमशः चल रहा है। दो नंबर पे फिर आए हमने, सीरियल नंबर कुछ भी भर दिया, अमाउंट कुछ भी भर दिया, जे डेट डाल दी, चलो पार्टिकुलर विवरण लिखा नहीं लिखा, चलो जे आ गया, एक नंबर लिखा, सीरियल नंबर दिया गया, अमाउंट भर दिया। तो जैसा चाहे हम वैसा रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं और सेव कर देंगे। तो इससे फायदा क्या हो गया कि हमें कहीं नहीं जाना, जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड सामने सर्च करोगे, सर्च कैसे करेंगे, सर्च का तो इधर सारा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा तुमने, नहीं छोड़ा। अब भैया डिजाइन पे चले, अभी हम पढ़ाया नहीं है आपको, कंट्रोल ए कर लो, नीचे खिसका लो, इधर जगह निकाल लो, तो चीज लिखा है। आई कलेगा टेबल क्यूरी, ओके राइट, किससे, एडमिशन से, क्या स्टूडेंट आईडी, क्या सर्च करना है, या नेम करना है तो नेम कर सकते हो, स्टूडेंट ये आईडी चल दो, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। फाइनल अपने गलत लगा दिया यार, अब इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर, फाइनल। चलो देख लेते हैं कि यहां पर जो भी हम सिलेक्ट करें तो क्या जाए, क्यूरी फीस, ओके कोडिंग करना पड़ेगी ये बात, ठीक है चलो बता देते हैं। तो जी क्या कर सकते हो, ये फिल्टर बना दिया आप, अब जब भी तुम राम करोगे यह राम आ जाएगा, जब इधर एक नंबर डालोगे तो एक नंबर आ जाएगा। हाँ तो जी यहां से सर्चिंग का भी काम, अभी तो हमारे पास दो रिकॉर्ड है, हम सीधा डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे, ये दो नंबर का रिकॉर्ड आ गया, और इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे हम कोडिंग देख लेंगे कि इस पे कैसे कोडिंग करते हैं, तो आगे हमारा रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है इस टाइप से। तो जी सारी व्यवस्थाएं जे दिख रहा है, तो ये सबका अलग अलग बनाया गया है इस टाइप से। तो अभी कोडिंग क्या ज्यादा करना पड़ेगा इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं, डिजाइन ओके।
कोडिंग, बिना कोडिंग का फॉर्म ले जाएगा फिर होगा। तो जी इसको अपन कल देख लेते हैं किसको कैसे करते, केवल एक ही। तो अभी दो चीजें क्लियर है आपके पास, कैसे सिंपल इसको हमने बंद कर दिया, क्या किया सीधा है, क्या किया डेटाबेस ओके क्रिएट, यहां पर क्या लिखा एडमिशन जे हमें स्टूडेंट, ये तो चाहिए, ये आईडी रहने दो, जरूरी नहीं कि बदलना है। नेम ठीक है, कोर्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अरे आप मतलब उसके नाम के साथ फीस जोड़ना है। लाइब्रेरी भी मैनेज कर सकते हो, कब ले गया कब दे गया, ये सब रिकॉर्ड मैनेज हो सकता है इसी में। यस, अब एक और क्रिएट किया, क्या किया टेबल, क्या बनाया टी राइट। अब इसको हम सीरियल नंबर बना दी रहे, क्या बना दी रहे, जो अभी हमने गलती कर दी थी, हमें नंबर डालना पड़ रहा था, आठ नंबर रहना चाहिए, सीरियल नंबर होता ही है, क्रम से चलता है सीरियल नंबर। हाँ, अब यहां पर आईडी, आईडी हमने दे दिया नंबर में, फिर हमने सीरियल नंबर हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट हमारे टैक्स नंबर में रहेगा, और क्या रहेगा, और डेट भी हो सकता है ठीक है, और पर्टिकुलर भी हो सकता है ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता कुछ भी। इसको सेव कर दी, अब करना क्या है, अब आपको यहां डेटाबेस के अंदर जाके रिलेशन बनाना होता है, एक दो, इसको क्लोज करोगे, अब आईडी को आईडी पर डालना है, कहां डालना है देखो, आईडी टू आईडी आ गया, और क्रिएट कर दो, बन गया रिलेशन, इसको सेव कर दो राइट। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्रिएट फॉर्म डिजाइन, एक बना दिया, एक बार निकाला, और दोनों को तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के द्वारा जैसे से सेव कर दिया, क्या कर दिया सेव कर दिया एडी एम, फिर इस पर आए क्रिएट किया, इसका नाम सीरियल नंबर उठा के डाला आईडी से, फिर दोनों को सिलेक्ट करके ओके, इसको भी नाम क्या दे दिया आपने, क्या दे दिया फी राइट। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का रिकॉर्ड, रिपोर्ट भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कह रहे, उधर रिपोर्ट में सेक्शन बना सकते हो कि वहां पर डायरेक्ट उसका विवरण निकाला है, प्रिंट निकाले, लेकिन हम फॉर्म में मैं देख रहा है तो फॉर्म में बना लेते हैं, क्योंकि सब फॉर्म में भी तो बनाना है ना फॉर्म। तो यहां पर हम दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार कर लेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर रख देते हैं उसका नाम पता, किसने कितनी जमा की है, जो चीज हमें यहां देखना है, और इसके बाद लिखा है सब फॉर्म और सब रिपोर्ट लिखा है, और यहां से एग्जिटिंग, और यहां से किसका रिकॉर्ड देखना है फीस का, नेक्स्ट फिनिश, बस इतनी सी बात। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप भरते जाइए, क्या राम श्याम कोड दीजिए, अशोक सुरेश पीजी डीसीए दिनेश महेश डीसीए, हो गया तीन बच्चे हो गए, अब उन्होंने कहा फीस भरना है ठीक, तो भरा है, आई डी नंबर बताओ एक नंबर, अमाउंट कितना 5,000, डेट आज की जो भी है ठीक, एडमिशन डेट उन्होंने कहा तुम्हारा बताओ, कहीं दो नंबर, कहीं कितनी, कहीं 8,000, फिर कहीं डेट डाल दी एडमिशन, कहीं तीन नंबर ठीक, अमाउंट 7,000, इंटर
टोटल, ओके पर्टिकुलर, ओके। और उन्हें कहा भाई और बल्ले भाई एक नंबर, कितने 5,000। फिर डेट, तो डेट बाई डेट जो भी रिकॉर्ड है बनता जा रहा। आ गया उनका पूरा रिकॉर्ड, दो नंबर का आ गया। ये सी आईडी नंबर भी लिखा है और सीरियल रसीद नंबर भी चल रहा है सब का। ये आया इधर रसीद नंबर, एक नंबर और चार नंबर की रसीद देखो आप, आईडी सेम रहेगी। चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, ये सब एडिट हो जाता है। आपको लग रहा है कि जी नहीं दिखाना है, तो इस आईडी को डिलीट जो भी फील्ड आपको लग रहा है कि नहीं दिखाना हो डिलीट मार कर पाओगे। ठीक है, कल हम फाइंड और देखेंगे कैसे डेली रिपोर्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके द्वारा देखते जाते हैं। सब फॉर्म, फॉर्म के अंदर भी सब फॉर्म, उसका ऊपर मैन रिकॉर्ड है, उसके पूरे रिकॉर्ड सब रिकॉर्ड नीचे दिखाया जा रहा है। तो हर काम ऐसा ही होता है, हमें लगता है कितनी जल्दी छाट के रख देता होगा, कैसे अलग अलग कर देता होगा। हमने तो आज जमा करी थी, कल करी थी। बैंक में भी तो होता है ना, जे काम हम रोज जमा करें, किसी भी बैंक से जमा करके आ जाते हैं अकाउंट नंबर। मस्ट आईडी क्या है, मैंडेटरी फील्ड क्या है आपका, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर है, उसके बिना आपका जमा नहीं करता कोई भी, कर देता है, क्योंकि दो अकाउंट नंबर हो ही नहीं सकते। अलग अलग बैंकों में तो हो सकते हैं, लेकिन एक ही बैंक में दो अकाउंट, एक दो अकाउंट एक जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए तो वो अकाउंट नंबर जनरेट करके देता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। सिस्टम में लगा है ऑटो नंबर, खुद जनरेट करेगा, तुम बना के दे रहे हो मन से। हम देंगे पूरे भारतवर्ष में एक ही रहेगा, जैसे हमारे हमारे अब हम जनरेट करते आएंगे तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट होता जाएगा, और जेई अप्लाई हम पूरे विश्व में अप्लाई कर दें तो यही से जनरेट होगा ना। तुम कहीं भी काम करो, सिस्टम तो एक ही है, उसको पता है हम जे नंबर दे चुके हैं, दोबारा नहीं देंगे, तो जिम्मेदारी फील हो जाएगी। यूनिक आईडी से हम कहीं निकल गए, इसलिए आपका आईडी ज्यादा मेहनत का वाला काम नहीं है। जो छोटे डेटाबेस पे काम कर रहे हो, बड़े डेटाबेस पे काम कर, फर्क इतना है प्लेटफॉर्म का। तो सरल हुआ कि नहीं हुआ, जैसे हिसाब किताब रखना है कि भैया हमें किसका डेटा चाहिए, बस उस पर तो क्लिक कर दो आप, तुम्हारे सामने वो आ जाएगा किससे संबंधित क्या जानकारी चाहिए। जैसे आप घर में मजदूर लगाते हो, किसको कब दिया कैसा दिया नहीं कर पा रहे, तो कर लो भैया, बना सकते हो इससे अच्छे से।